हेलो गाइस, मैं हूं एमडी साहिल और मैं आपके लिए लाया हूं न्यू ट्रिक जो कि कोई भी बंदा हेडशॉट मार सकता है आराम से। उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको पूरी कैसे 100% काम करती है ट्रिक, क्या सेटिंग होती है गेम की। पूरा 100% आप कोई भी हेडशॉट मार सकते हैं, हेडशॉट पर लॉक कर सकते हैं आराम से। उसके लिए करना क्या होगा मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा, पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सेंसिटिविटी में। सेंसिटिविटी में जाने के बाद आपका अगर फ़ोन 4 GB रैम वाला है तो आप इसको फुल रख देना 4 GB रैम के हिसाब से, ठीक है। अगर उससे कम है तो तब भी आपको फुल ही रखना है, कम नहीं करना। अगर 6 GB रैम का है तो कम करना है, ठीक है। और इसको फुल रखने के बाद रेड डॉट जो नीचे वाला है, रेड डॉट इसको आपने थोड़ा इससे कम करना है। मान लो ऊपर वाला 100 है तो इसको हम 98 पे रखेंगे, ठीक है। 2 स्कोप और 4 स्कोप AWM ये फुल रखना है, पर रेड डॉट वाला कम रखना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल्स पे। कंट्रोल लेफ्ट फायर बटन, लेफ्ट फायर बटन वाले को आप ऑलवेज पे रखना है। कई सारे ये रखते हैं स्कोप ओनली पे, आपको ऑलवेज रखना है क्योंकि वो साइड में आ जाता है बटन, यहाँ आ जाता है साइड में बटन और वो फायर करने के लिए रहता है। स्कोप खोलने पे नहीं आएगा, वो वहीं आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम ऑटो पिकअप पे। ऑटो पिकअप के आने के बाद ये बाकी सेटिंग तो है ही, ऑन सब पे रख देना, इसको ऑफ कर देना, स्पेशल इक्विपमेंट्स को इसको ऑफ रख देना। और जो है ये ऑटो पिकअप पे जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, आपको इसको फास्ट कर रख देना क्योंकि और बंदे से पहले ये आपका सामान उठा लेगा, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट पे हटा के इस पर आपको फास्ट पर रख देना है, ठीक है। फास्ट पर रख देंगे, आप आते हैं ग्राफिक पे। अगर आपका 4 GB वाला रैम का फ़ोन है, 4 GB रैम वाला फ़ोन है तो आपको स्टैंडर्ड पे रखना है, तभी लगेंगे आपके हेडशॉट। आप अगर अल्ट्रा पे रखोगे तो कभी नहीं लगेंगे, लैग करेगा फ़ोन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आप इन्हें स्टैंडर्ड पे रखना है। 6 GB रैम वाला है तो आप अल्ट्रा पे रख के, अगर 6 GB वाला फ़ोन है आपका तो, ठीक है। और शेडो को ऑन रखना चाहो ऑन रख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ आ जाते हैं हाई FPS। हाई FPS पे आपका 4 GB वाला रैम है तो नॉर्मल रखना है आपको, हाई FPS पे नहीं खेलना है क्योंकि बहुत लैग करता है गेम, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लैग करता रहेगा, आपको नॉर्मल पे रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पे आ जाओ, आपको कंट्रोल पे आपको जो है कस्टम UID पे जाना है। नहीं, इसको कंट्रोल को छोड़ो अभी, कंट्रोल मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम जाते हैं सेंसिटिविटी, फिर कंट्रोल पे। कंट्रोल पे जाने के बाद आपको लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट फायर बटन पे ऑलवेज पे ओके कर देना है। यहाँ पे से हटा के यहाँ कर देना है कंट्रोल पैनल पे जाके, और लेफ़्ट बटन फायर, ठीक है। ये स्कोप ओनली है, ये ऑलवेज है, ऑलवेज पे कर देना, बाकी सेटिंग ऐसे ही रहने देना नॉर्मल। ऑटो पिकअप में, ऑटो पिकअप में भी आप इसको ऑन सब ऑन रहने देना, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे आता है, इसको फास्ट कर देना, ठीक है। ये सामान उठाने के लिए जो होता है जो आप गेम के अंदर कुछ वेपन नेट वेट उठाते हो तो वो दूसरे बंदे से तेज़ उठा लेगा, अगर आपका फास्ट पे है तो, ठीक है। फास्ट पे कर देना उसको। और आप आते हैं ग्राफिक पे। ग्राफिक पे आने के बाद अगर आपका 4 GB रैम का फ़ोन है तो आप स्टैंडर्ड पे रखो इसे, स्टैंडर्ड पे आने के बाद अगर 4 GB फ़ोन है तो स्टैंडर्ड पे, और जो है इसको नॉर्मली रहने देना, हाई FPS को नॉर्मल पे अगर 4 GB रैम है। और तो आपका अगर 6 GB रैम का है, 6 GB रैम तो अल्ट्रा पे कर लो। आपको अल्ट्रा पे आने के बाद इसको नॉर्मल में रहने दो, नॉर्मल, ये क्योंकि यहाँ आई होता है, यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल पर रहने दो, और इसको भी नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका 4 GB रैम है तो इस पर स्टैंडर्ड पर रखना है। अल्ट्रा पे अगर खेलोगे तो लैग करेगा गेम, हेडशॉट कभी नहीं पड़ेंगे। तो अगर हेडशॉट मारने हैं, हेड पे लॉक करना है, तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड पर रखना है 4 GB रैम वाला। 6 GB रैम वाला भी है और प्रोसेसर हल्का है आपके फ़ोन का, तो स्टैंडर्ड पे ही खेल के देखना, प्रैक्टिस करना। अल्ट्रा पे अगर लग रहे हैं तो ठीक है, वरना स्टैंडर्ड पे लगेंगे 100% अगर आप ऐसे सेटिंग रखोगे। साउंड पे आ जाते हैं, अदर पे कुछ नहीं है, ठीक है। फिर कंट्रोल पैनल पे आते हैं कस्टम HD पे। तो कस्टमाइज में आपको वेपन वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा बड़ा रखना है, एकदम चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको बड़ा कर देना, यहाँ से इस पर सेलेक्ट करके ये बड़ा हो जाता है, इसको हम इधर उठा देते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा होने के बाद इसको साइड में रखना है थोड़ा नीचे, ठीक है। अब इसके बाद ये बटन हम इधर कर देते हैं, ठीक है।
अब इसको ले लेते हैं, इसको फायर बटन हमने छोटा रखना है, फायर बटन बड़ा नहीं करना, हमने इसको फायर बटन को छोटा रखना है, क्योंकि छोटा रखने हैं तो इससे क्या होता है ऊपर करने में आसानी होती है और आराम से हेड लगते हैं। अब आते हैं इसको, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, ठीक है, ये इधर कर दो और ये वाला बटन हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ये वाला बटन हम यहाँ इसको ऊपर ले जाते हैं हम, ठीक है। और अब आते हैं इस पे, इस वाले पे बटन पे, इसको थोड़ा छोटा रखना है, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा रख के हम यहाँ साइड में कर देंगे और इसको ग्लोबल वाले को, नेट वाले को इसको हम बड़ा कर देंगे। बैग ऊपर ले आते हैं, इसको बड़ा रख देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये बटन, इसको ऊपर कर देते हैं, ये वाला बटन भी बड़ा होना चाहिए भागने वाला, क्योंकि इससे भागने में थोड़ी आसानी होती है, तेज़ भाग सकते हैं। ये आ गया फायर बटन, ये आपको यहाँ टू फिंगर में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई सेटिंग, ये वाला जो है आप यहाँ ले लो इसको, स्कोप वाला, ठीक है, ये हो गई सेटिंग, बैक कर देते हैं। अब मैं आपको क्लासिक में ले जा कर दिखाता हूँ, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आप कैसे हेडशॉट मार सकते हैं, ठीक है। हम आ गए क्लासिक वो ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो यार पूरी वीडियो देखना और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, मैं बताऊंगा आपको हेडशॉट कैसे लगते हैं, ठीक है, मैं आपको पूरी वीडियो, तो ठीक है। ये देखो, ये सामने बंदा खड़ा है, मान लो एनिमी है ये, एनिमी, तो रेड वाला जो है, देखो रेड वाला मेरा लॉक हो रहा है इस पर, तो ये लॉक नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए यहाँ, ठीक है, ये लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉक होगा तो हेड नहीं लगेगा, हेड नहीं लगेगा, ठीक है, लॉक होगा तो हेड नहीं लगेगा, ये नीचे होगा, ठीक है, हम ऊपर ऐसे करेंगे, क्योंकि छोटा बटन जितना छोटा होगा ये ऊपर एकदम चला जाएगा, ऊपर ऐसे एकदम ऐसे चला जाएगा, और ये लॉक नहीं होना चाहिए, ये आपको ऊपर कर देना है। ये देखो, हम मान लो ये फायर करते हैं, हम बॉडी पे नीचे करके फायर करेंगे तो हेड इतना जल्दी नहीं लगेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर करना है, ये इतनी जल्दी नहीं लगेगा आपको। जैसे हम भाग रहे हैं तो एम नीचे करके नहीं भागना, एम ऊपर करके, एनिमी की साइड ऊपर करके, ऊपर होना चाहिए एम, ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा, एम यहाँ होना चाहिए ऊपर, एम ऊपर होगा तो हेड एकदम, मतलब ये समझ लो 100% चांस है हेड लगने के पूरे। कई सारे सोचते हैं यार आप बताते हो हेड तो लगते ही नहीं है हमारे, तो एम ऊपर करके भागना है आपने, तो तब हेड काम करेगा पूरा, ये ऊपर होगा तो तभी हेड काम करेगा, वरना हेड नहीं लगते, क्योंकि बॉडी पर लॉक हो जाता है वो, बीच में सेंटर में ऊपर रहेगा, बॉडी पर आ जाता है, ये बॉडी पर आ गया देखो। अब हमने एम यहाँ है हमारा, और हम फायर करेंगे ना तो हम ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे फायर करते, एम यहाँ है, स्क्रॉल करेंगे, ये देखो स्क्रॉल करेंगे, हेड आएगा, स्क्रॉल करेंगे हेड आएगा, और हम यहीं पर स्क्रॉल ऐसे ही मारते रहेंगे तो हेड नहीं आएगा, ठीक है, हम स्क्रॉल करेंगे हेड आएगा, स्क्रॉल करेंगे हेड आएगा। अब मैं देखो बॉडी पे बिना स्क्रॉल करे फायर करता हूँ तो हेड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ बीच में बॉडी में है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करूँगा ऊपर, देखो हेड आएगा, हेड आएगा, हर बार हेड आएगा, हेड जाएगा, स्क्रॉल करेंगे हेड जाएगा, ये देखो हेड जाएगा। अब ज़्यादा नीचे से, अब देखो यहाँ नीचे है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ हेड नीचे कहाँ तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक है, ऊपर होगा तो हेड जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो यार, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और यार सपोर्ट करो, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, हैक मोड पे लाऊँगा, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो।